नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह। आज हम लोग बात करेंगे अंधविश्वास को लेके। जिसके नाम में आधा लग जाए तो वो अपने आप में कंप्लीट कैसे हो सकता है? अंधविश्वास जिसका भरोसा अंध से ही शुरू हो तो भरोसा पूरा कैसे होगा? अंधविश्वास में इतनी सारी बातें हैं कि अगर हम लोग बात करने पाए तो खत्म ही नहीं होंगी। सबसे पहले जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना बहुत गलत माना जाता है। लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, अपने कार्यों को बदल लेते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका जैसे शहर के अंदर बिल्लियों को बहुत लाड़ प्यार से पाला जाता है और जिसके घर में भी बिल्लियाँ होती हैं उसको बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है कि बिल्ली का रास्ता काट देना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, छोटे छोटे। हम लोग अंधविश्वासों में बात करेंगे और ये वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी को, मनोदशा को ये हमारा वीडियो बदले। बच्चों को काला टीका लगाना उसको शुभ माना जाता है, बुरी नज़र से बचाने के लिए माना जाता है। कहाँ तक है काला टीका सही? काला टीका जो मार्केट में काजल टाइप में मिलते हैं अधिकतर केमिकल्स के बने होते हैं और हमारे नवजात शिशु इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको बाहर की हवा, बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचाया जाता है। कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास के चक्कर में उन बच्चों को काला टीका लगा के कहीं कोई स्किन प्रॉब्लम जैसी चीज़ें तो नहीं दे रहे हैं। इन सब चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर टीका लगाने से बुरी नज़र ही नहीं बीमारियों से भी बचाव लोग बोलते हैं होता है, तो हमारे देश में पल्स पोलियो अभियान इतने लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, महामारी जैसी बीमारियों के लिए इलाज करे जाते हैं, क्या टीकाकरण बिल्कुल ठीक है? सोचने वाली बात है। हमारे देश में अंधविश्वास इतने जोरों पे फैलता जा रहा है कि हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं या हम लोग अपने गृह प्रवेश करते हैं तो एक लाखों करोड़ रुपए का हमने मकान बनवाया और उसको भद्दा बनाने के लिए हम उस पर एक जूता टांग देते हैं या फिर वो काले रंग की एक हांडी लगा देते हैं। क्या इनसे हमारा घर सुरक्षित रहेगा? जहाँ तक घर की बात है, अगर घर में अच्छा सरिया लगाएंगे, अच्छा सीमेंट लगाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ज़्यादा मजबूत हमारा मकान बनेगा, ना कि एक हंडिया या एक जूता लगा देने से हमारा घर कहीं ज़्यादा मजबूत होगा। अधिकतर देखने में आता है कहीं ना कहीं शनिवार या मंगलवार के दिन 7 मिर्च और 1 नींबू या हम लोग कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर टांग देते हैं। तो या हमारी जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं या शॉप्स होते हैं या अपने घर में बुरी नज़र से बचाने के लिए हम लोग 7 मिर्च और 1 नींबू को हम लोग टांग देते हैं। क्या हमें अगर इतना टांगने से अगर इससे धन प्राप्ति या बुरी चीज़ें दूर होती तो भी सभी की दुकानों पे ये नज़र आता? और गाड़ी की बात करें, अगर हम लोग गाड़ी पे ये सब टांगने से हमारी दुर्घटनाएं नहीं होती तो आज हमारा देश दुर्घटना से बहुत दूर होता, लेकिन इसको टांगने के बावजूद भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें अंधविश्वास की तरफ ही ले जाती हैं सारी चीज़ें, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। सुबह सुबह हम लोग अपने घर में पूजा करते हैं या दुकान जाते हैं तो वहाँ भी पूजा करते हैं। कई लोग तो इस कदर पूजा करते हैं कि वो लोआन को बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं। बेसिकली इसका एक साइंटिफिक रीज़न होता है, लोआन को जलाने से हमारे घर में कीटनाशक जितने भी होते हैं, मच्छर मक्खी, वो सब दूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे मन में, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास से इस कदर जकड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोई ना कोई नाराज़ हो जाएगा। एक दो बार करके देखें, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और साइकोलॉजिकल और मेंटली बहुत रिलैक्स मिलेगा। अंधविश्वास के चक्कर में हम लोग कई बार बहुत सारे बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं। बाबाओं की लीला चल रही है देश में, इतने सारे बलात्कार चमत्कार जैसी चीज़ घटनाएं आ रही हैं। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि हमें अंधविश्वास पे ही ये सारी चीज़ें आगे धकेल देती हैं। और एक बात और, जो बाबा बोलते हैं वो कुछ भी नहीं होता है। आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो कहीं भी किसी बाबा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और दोस्तों, अगर बड़े बड़े बाबाओं के पास जाने से हम सभी सुखी हो जाते तो दुनिया के सभी भक्त बाबाओं के भक्त सुखी होते, पर ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जितने भी बड़े बड़े बाबा हैं, ये भी आज की डेट में कोर्ट कचहरियों के चक्कर खा रहे हैं। बोलना सिर्फ एक कला है, तो इस कला से बचें और अंधविश्वास को ख़त्म करें। दोस्तों, कुंडली जब हम लोग मिलाते हैं, कुंडली मिलाना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे पंडित लोग, मैं व्यक्ति की विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये व्यवसाय उन्हीं ने अधिकतर देखा हुआ है, बहुत सारे लोग जब कुंडलियों का मिलान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आता है, बोलते हैं कि 36 गुण हैं, 32 गुण हैं, उसके बावजूद भी दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ तक देखने में आता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में आ रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट हो गया जिसमें अकस्मात लड़का या लड़की का मौत हो गई। अगर ये सारी कुंडलियाँ अच्छे से मिलती तो ये दुर्घटनाएँ क्यों होती है? यहाँ पे तक भी देखने में आता है कि जैसे मंगल दोष हो गया, मंगल दोष के निवारण के लिए लोग मेढक की मेढक से शादी करवाते हैं, लड़की की पीपल से शादी करवा देते हैं या केले के पेड़ से शादी करा देते हैं। और बहुत जगह तो वीडियोस वगैरह में वायरल आपने भी देखा होगा, कई बार तो कुत्ते के साथ शादी करवा दी या गधे के साथ शादी करवा दी। क्या हमारी मानसिकता इतनी ख़राब हो गई है कि हम जानवरों के साथ शादी करके अपने दोषों का निवारण कर रहे हैं? ये विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि अंधविश्वास बार बार वही है, अंधविश्वास। अंधविश्वासों से बचना चाहिए हमें। जहाँ तक कुंडलियों का और मिलान की बात थी, अधिकतर मिलान जो होता है वो दिलों का होना चाहिए, ना कि कुंडलियों का मिलान होना चाहिए। कोई लड़की सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा परिवार सब कुछ छोड़ने के बाद आपके परिवार में आती है, तो उसको भी समझना चाहिए। तो कुंडलियों के मिलान को छोड़ें, सिर्फ दिलों के मिलान की तरफ ध्यान दें। ऐसे अंधविश्वासों और पाखंडों से बचें जिनसे हमारी ज़िंदगी पीछे की तरफ जाती है। देश के अंदर हर सेकंड के अंदर 3 से 4 बच्चे पैदा होते हैं। अगर धीरूभाई अंबानी जैसे अगर उसी कुंडली में जन्मे लोग, देश में बहुत सारे करोड़पति, अरबपति, शंखपति होते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ कर्म होता है। उन्होंने भी अपने कर्म को प्रधान बना के कर्म करना शुरू करा, जो आज इस लेवल पे पहुँचे हैं। तो अपने कर्म को प्रधान बनाएं, कर्मशील बने, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें, सब चीज़ें आपकी कदम चूमेंगी, ना कि आप अंधविश्वास से नींबू मिर्च। और यहाँ तक कि आता है कि कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी अंधविश्वास की चपेट में ले लेते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी उनको ताबीज़ तक दिलवा देते हैं उनके माँ बाप। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने बच्चों को मानसिक गुलाम तो नहीं बना रहे? बच्चों को लगता है कि अब तो हमने ताबीज़ पहन लिया, अब तो हमने मंत्र पढ़ लिया, तो अब हम इससे पास हो जाएंगे। अंधविश्वास इस कदर फैलता जा रहा है कि हम लोग पत्थर के ऊपर भी दूध चढ़ाने लग जाते हैं। अगर वो दूध आप अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को जो ज़रूरतमंद है उसको देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में लगेगा और उसकी बीमारियां भी कहीं ना कहीं ठीक होंगी और हेल्थी और योगी ज्ञानी बनेंगे। और घी जलाते हैं हम लोग, घी तेल का बहुत सारा आपको मालिक ने सक्षम करा है, आपने अपनी काबिलियत से हासिल करा है, आप बिल्कुल जला सकते हैं। लेकिन अगर वो घी या वो तेल हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार को देते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, या जिसके घर में घी नहीं होता तो उसको देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिवनेस आती है इसके अंदर। और आजकल तो बहुत सारी इस तरीके की वीडियोज़ भी और मूवीज़ भी आने लगी हैं, जैसे एक PK फिल्म के अंदर भी काफ़ी अच्छा वो था, और एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड करके थी। तो ये सारी फिल्में हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट से ही बनती हैं सारी फिल्में। कहीं ना कहीं उन लोगों ने देखा कि हमारे देश में ऐसा चल रहा है और उन्होंने इस तरीके की वीडियोस को बनाया, जो बहुत सारी TRP भी लेके गई थी। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और अंधविश्वास को एक तरफ करके आपको सिर्फ कर्मशील बनना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अंधविश्वास पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने इस वीडियो को बना के आप लोगों के मन के अंधविश्वास को कहीं दूर करा है। अगर आप अभी भी उसी अंधविश्वास में हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।